क्या हो गया था पैर में आपके? क्या ये रोड एक्सीडेंट से हुआ था मेरा, ही वो से आपको पैर पूरा कट गया था पूरा आपका? खत्म हो गया पैर, चलता नहीं है इस पे क्या हुआ पीछे करो एक बार। ये पूरा। ओहो शिट। और उस वाले पैर पे क्या हुआ दिखाओ। कट गया पैर पूरा। ओहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना तहलका भाई। एक भाई का मैसेज आया था कि मैं विकलांग हूँ, मेरी एक टांग नहीं है और मैं बड़ा परेशान हूँ। उस भाई के पास जा रहे हैं, यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, पूरी टीम साथ में जा रही है। और उसके लिए प्यारे भाई के लिए राशन, साथ में उनके लिए प्यारी सी व्हील चेयर लेके जा रहे हैं हम। तो हमने कुछ राशन ले लिया भैया के लिए, आटा ले ली, नमक, दाल, रिफाइंड बिस्कुट का पैकेट, नमकीन का पैकेट, बिस्किट का पैकेट दे दो 4-5, नमकीन का पैकेट दे दो। नमक ले आओ, बच्चे भी है घर में, बच्ची को ये दे दो। नहीं ये नहीं खाएगी बच्चा, बच्चे खा लेंगे क्या बेटा? तो खा लेंगे। बुढ़िया है क्या उनके घर में? मसाले दे दो भैया, हल्दी नमक। वो मसाले दे दो, हल्दी नमक दे दो भाई साहब, जीरा। दोस्तों मिल गया, हमने गाड़ी में रख ली है पूरी सील पैक। अब भैया के चेहरे पे खुशी लेकर आते हैं और मचाते हैं तगड़ा तहलका। सही है। ओह क्या बात है, एक नंबर, सही टाइम पे बोला भाई साहब। ये सारा सामान है अपने पास। क्या हो गया था पैर में आपके? ये रोड एक्सीडेंट से हुआ था मेरा, क्या वो आपको पैर पूरा कट गया था? खत्म हो गया पैर, चलता नहीं है। इस पे क्या हुआ पीछे करो एक बार। ओहो शिट। और उस वाले पैर पे क्या हुआ दिखाओ। कट गया पैर पूरा। ओहो किससे, बाइक से हुआ था भैया? ये हाँ जी सर। कब हुआ था? सारा सारा जनता को बताओ कब क्या हुआ था। 2022 को हुआ था भैया ये। अच्छा कैसे? शादी में से आ रहे थे, ट्रक सड़ गया था गाजियाबाद रोड पे। आप बाइक पे अकेले थे? स्कूटी पे था, भाई था मेरे साथ में, वो का लड़का, उनका बचाव हो गया। भी लगी थी चोट थोड़ी बहुत सर में, हाथ में, मेरे पैरों पे सारी चोट आई थी। आपके लिए कुछ और भी लेकर आया हूँ, निकालो चलो भाई, चलो बहुत तमन्ना थी, बहुत दिल खुश हो गया मेरा भैया आपसे मिलकर सच में। भैया मैं हेल्प करने वाला कुछ नहीं, भगवान करवाता है। वो तो है पर आपका ही बहुत हिम्मत है भैया, बहुत हिम्मत है आपकी भी, आप बहुत हिम्मत करते हैं भैया। मुझे नहीं पता था आप भी आ जाओगे भैया, सच में मेरा दिल खुश हो गया भैया आपसे, बहुत खुश हो गया मुझे आपसे। आई लव यू सबसे ज्यादा, आपको देखकर तो दिल खुश हो गया मेरा, बहुत खुश हो गया सच में भैया, बहुत खुश। मैं आपको 1 महीने का रेंट दे रहा हूँ और 1 महीने बाद कुछ भी मैं कहीं बात करूंगा, जानो जो बात करके देख रहा है भैया के लिए। ठीक है, अभी आपने किसी से इससे पहले पता करा था कि क्या खर्चा है कुछ पैर लगवाने का खर्चा? मैंने भी कुछ भी नहीं पता करा भैया। जैसे अगर आप पैर लगवाते हो तो इस पैर पे वजन डाल सकोगे? जी डॉक्टर ने बोला है, मतलब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी आपको ना? बोला कि पैर लगा के थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो शायद तुम्हारी नसों में मूवमेंट आ जाए। दिल खुश भी हो रहा है और रो भी रहा है अंदर से, एक खुशी भी है और एक दिल वो भी है, बस बहुत खुशी थी सच में भैया। मैं आपको देखता था ना सब जगह, उसमें भी देखता था आपको, वहाँ गए थे आप शो में, बिग बॉस में भी देखता था, मेरा बहुत दिल खुश होता था, बहुत दिल। आप बॉम्बे भी गए थे अभी, बहुत दिल खुश होता था भैया मेरे को आपकी वीडियो, मैं सबको दिखा रहा था। मैंने कहा मैं एक दिन भैया से मिलूंगा, अपने भाई से भी जिक्र करता था अभी थोड़े दिन पहले, मैं मैंने भैया से मिलना मुझे। तो यार भाई मेरा बहुत हट्टा कट्टा है और अभी हिम्मत हिम्मत नहीं आ रही है, और मैं भारत देश में जो भी भाई इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसके साथ कोई घटना घटी है, तो हिम्मत हौसला मत तोड़ना यार, बना के रखना। टूट जाओगे ना कि भाई, कभी कभी कुछ लोगों पे गलत ख्याल आते हैं, वो मत लाना यार। जीवन बहुत बड़ा है, पीछे परिवार है, अगर उनका सोच लेना हाथ जोड़ के विनती है, हार मत मानना बस। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सब सबसे लोगों से, लव यू, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया। ओके।
ओके तेल के भैया, गुड नाइट भैया, लव यू भैया, लव यू, बाय बाय। दोस्तों मदद करके निकले हैं, दिल को सुकून मिलता है, रात को अच्छी नींद आती है जब किसी की हेल्प करके जाते हैं, आप भी करके देखना। लेकिन जाते जाते इनकी वाइफ ने बोला कि प्लीज़ भैया फेस को ब्लर कर देना, छोका पारिवारिक मैटर जानना ठीक भी नहीं है, उन्होंने बोला तो उनकी बातें सराखों पर, तो भैया के फेस को ब्लर कर देंगे। बाकी हाँ, कभी भी आपको लगता है कि आप उस लायक हैं कि आप भी कई हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमें, हमारे साथ अपना नंबर व्हाट्सएप पे दे सकते हैं इस हमारे नंबर पे, जिससे कि हमारे और हाथ मजबूत हो जाए, हमारी टीम बहुत बड़ी हो जाए और हम किसी भी इंसान को मना ना करें कि हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हमें पता रहेगा फिर पटना में हमारा भाई है जो हेल्प कर सकता है, आगरा में हमारा भाई है, राजस्थान में हमारा भाई है, और अपना कई सारे मैं स्टेटों की बात करूं पता नहीं कितने भाइयों के मैसेज आने वाले हैं कि सन्नी भाई मैं इस लायक हूं, मेरे पास काम धंधा बढ़िया है, मैं भी आप जब बुलाओगे तब आ सकता हूं, हॉस्पिटल में किसी का बिल पे अपने हाथों से कर सकता हूं। हमें पैसा नहीं चाहिए, वो बंदा खुद आए, खुद अपने हाथों से बिल पे करे, खुद अपने हाथों से कुछ लेकर आए। मतलब हमें ना इतना मजबूत होना है कि मैंने ना पूरा 24 घंटा जो दिन का 24 घंटा पूरा मैंने सेवा में लगाना है, पर डे मैंने सेवा में लगाना है, हर दिन मैंने सेवा करनी है टीम के साथ। बस हाथ मजबूत हो जाए हमारे कि जिस लायक हमारा एक बजट है वो तो है बड़े लेवल का, अगर आप जुड़ जाओगे तो फिर तो भाई ताकत ऐसी आ जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में हम किसी को मना नहीं कर सकते कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सबके लिए हमारी हाँ निकले, भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कभी मैं किसी को ना कर पाऊँ, बस ये प्यार चाहिए। तो मैसेज वही लोग करना जो बहुत तगड़े मजबूत हैं, बड़े लेवल मजबूत हैं और डंके के छोटे बोले कि तहलका भाई बताओ यहाँ हॉस्पिटल में कितना पैसा पे करना है, हम देने आ रहे हैं बस।